हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो गाइस, आज मेरा दिल चाहा कि आपसे थोड़ी बात की जाए। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा पेशा जो है, मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है। मैं टीचर हूँ और काफ़ी अरसे से लॉकडाउन की वजह से मैं जॉबलेस हूँ। तो जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ और तब से जो है मेरी जॉब जो है वो नहीं है मेरी। तो इस वजह से जो है मैंने चैनल स्टार्ट किया है। तो चैनल पे मैंने सोचा कि यूट्यूब पे मैं भी काम करूं। जैसे मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं यूट्यूब से अर्निंग कर सकती हूं। तो बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, आप लोग सब जानते हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं वो सब जानते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाई जाती है। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी जो है वो मेहनत की जाती है इसके पीछे। तो गाइस, वीडियो को फुल देखा करें प्लीज़, और लाइक शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि उन सब फ्रेंड्स की वीडियो जो है आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, ये कुछ बातें थी जो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और हर कोई जो है अपने जो है ज़रूरत के लिए ये काम कर रहा है। मैं समझती हूँ कि मैं भी इस वक्त नीडी हूँ और मैं भी ज़रूरत के तहत ये बनाती हूँ। तो ये जो है इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि हमने जब वीडियो देखनी है तो उसको लाइक भी करना है, और यूट्यूब के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है हमने। तो वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और यही आपसे मैंने कहना था। तो छोटी सी एक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल और बहुत ही यम्मी है। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चने की चाट गाइस आज हम बना रहे हैं, आलू और चने की चाट, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक प्याली जो है बॉयल चने ले लिए हैं, वाइट चने हैं, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। इसके साथ ही हमने आलू लिए हैं, दो बड़े साइज़ के आलू लेकर इनको काट लिया है। और हमने प्याज ली है, इसको भी हमने लच्छादार काट लिया है। टमाटर हमने लिए हैं, दो बड़े साइज़ के टमाटर लेकर इनको चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्ची हमने ली है, साबुत हरी मिर्ची, इसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और हमने चाट मसाला लिया है, 2 टीस्पून के बराबर हमने चाट मसाला लिया है। और इसी में हमने नमक कुछ ऐड कर लिया है, थोड़ा सा मैंने टेस्ट के मुताबिक नमक इसके अंदर ऐड किया है। और कुछ मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें मायोनीज़ ऐड करूँगी, मायोनीज़ है ये 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसके साथ ही ये पुदीना है, इसको हमने जो है पीस लिया है, और ये थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया इसको पीसे हुए, इसलिए ये थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है। तो ये इसको फ्रेश यूज़ कर लें तो इसकी जो है असल जो है ये ग्रीन ग्रीन सा रहता है। अभी मैंने थोड़ा टाइम हो गया ज़्यादा तो इस वजह से ये ब्लैक हो गया है। तो ये हमने इमली का पानी जो है लिया है, 4 टेबल स्पून के बराबर है ये इमली का पानी मैंने तैयार किया है। इसमें हम अपनी रेसिपी जो है वो बनाएंगे, चने की चाट तैयार करेंगे। अब हम इसमें ये बाउल जो मैंने लिया है, इसमें एक प्याली जो चने हमने बॉईल किए थे ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें उबले हुए आलू जो हमने लिए हैं वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, लच्छादार प्याज हमने काटी है, चाट में ये बहुत मज़े की लगती है। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, घर में आप इजीली बना के खा सकते हो। इसके बाद हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे, पिसा हुआ पुदीना है। इसके बाद मायोनीज ऐड करेंगे। हरी मिर्ची है,
चाट मसाला है 2 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये चाट हमारी गाइस तैयार हो चुकी है, आप देख लें कितनी यम्मी लग रही है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसको बनाया है, तो कभी कभी जो है घर पर अगर कुछ आप इजीली बनाना चाहते हो, झटपट बनाना चाहते हो, तो ये रेसिपी जो है बहुत ही आसान है। ज़रूर घर पे ट्राई करें, सबको बना कर दें, घर में सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। और इसके साथ मैंने गाइस ये कुछ पराठे तैयार किए हैं, ये पराठे हैं जो हमने बनाए हैं, तो इसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। तो इसके साथ ये बहुत मज़े का लगता है, तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी को जो है लाइक कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो माजरत के साथ मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आना जो है वो बहुत आसान भी नहीं है और मुश्किल काम है ये, मेहनत करते हैं सब, तो इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। खुदा हाफिज़।